वो तो मेरे पापा की सोच की बदौलत से ऐसा हो गया था, नहीं तो मैं कभी नहीं तुम्हारे जैसे बेवड़ों के पास अपनी बहन की शादी करता। हमारे कृष्ण नाचने लगे। और ये भैया जो है दिवाली वाले हैं, सुबह सुबह अपना लेने आए हैं, वो पैसा रुपए देना पड़ेगा। डेढ़ सौ रुपया लगते हैं अब। कितने? डेढ़ दो सौ। डेढ़ सौ? दो सौ। डेढ़ सौ लगते हैं। पचास का और कापी चाहिए तुम्हें? देखो कापियाँ मांग रही पढ़ने के लिए, ओठ में क्या लगा लिया, गिर आ जाते हो क्या? गिर आ गया हूँ। काली कलकत्ते वाली तेरा बार न जाए, खाली जाए गिरे ना पंचर ना हो, तेल कम खाए, बढ़िया एवरेज दे, बढ़िया चलाए प्रभु की दया से। जय हो। बोलो दीपावली महाराज की जय, राजा रामचंद्र जी की जय, खेरापति खरवान दाई की जय, कालका दाई की जय, लक्ष्मण भैया की जय। क्या आ गया ये देखो गाड़ी मेरी, गाड़ी की पूजा हो गई, कितनी सुंदर लग रही है। मामा देखो ये गाड़ी टूट रहा है। क्यों तोड़ रहे हो गाड़ी? ले ये गाड़ी ले जाओ भीतर रख दो। चलो भीतर, किताबें मिलेंगी तुम्हें। मिल गई ना, तुम्हें दे दिया किताब, नहीं दो आरती तो क्यों झूठ बोल रहे? झूठ बोलने का धंधा है तुम्हारा। ठीक, खुश? पेन, पेन भी चाहिए यार तुम्हें, ले खुश। दादा छोटे भाई कलर का है। धान का खेत कट चुका है पूरा, थोड़ा सा बाकी है इस तरफ। ये देखो आरती नहा लिया कि नहीं नहाया? अभी नहीं नहाया। 11 बज रहे हैं, कब नहाओगी? ऐसे ही वहाँ पे करती रही होगी? नहीं, वहाँ पे सुबह नहाए तो जब वो होता था बच्चों को का दवाई वाई वो कर दे, फिर नहाएंगे थोड़ी देर में। हाँ तो नहा लो, आ जा कृष्णा, टाइम से डेली नहा लिया करो। जाएंगे देखने अच्छे से घर बार। अब जैसे गाड़ी वाहन ले लेंगे तो उसमें सही रहेगा, हमारा इतना बड़ा परिवार है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। मीर ससुराल भी दूर हो गई है प्रयागराज, तो प्रयागराज जाने में बहुत टाइम लगता है, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो गाड़ी लेना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। महोबा महिंद्रा एजेंसी में बात किया था तो वहाँ पर मेरा 10,000 रुपये जमा हो गया था बुकिंग के लिए। फाइनेंसर ने मना कर दिया कि फाइनेंस नहीं होगा यहाँ से, तो 5 तारीख को वापसी करने के लिए कहा था कि 10,000 रुपये 5 तारीख को वापसी हो जाएगा, उसके बाद हम छतरपुर से गाड़ी लेंगे। कि मान लो जैसे कमाते हैं लोग, कमाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है जब वो बीवी बच्चों को मारते हैं। इंसान कमाता किस लिए है? कि अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, खुशी रख सके, खाना पीना दे सके, मारे कूटे ना,
इसलिए कमाता है, नहीं तो उसके कमाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों कमाता है? नहीं कमाना चाहिए उसको। अगर वो परिवार को मारता कूटता है, गाली गुत्ता देता है, तो उसका कमाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना सुख उसको आप कमा के दे रहे हो, उतना तो दुख दे रहे हो। इंसान की वाणी में ही सब कुछ है। इंसान अपनी वाणी से सब कुछ कर सकता है। किसी दूसरे को ताड़ना दे सकता है, किसी दूसरे को हंसा सकता है, किसी दूसरे को रुला सकता है। तो अगर आप कमा रहे हो, फिर आप आके घर में चिड़चिड़ा के अपने बीवी बच्चों से बात कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो आपके कमाने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही आरती के परिवार में कुछ ऐसा ही मैटर है कि जो है हमारे जीजा जी योगराज पटेल इतना नशा पत्ती करते हैं, गांजा पीते हैं, कि गांजा के चक्कर में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और अपने रिश्तेदारों को ईर्ष्या जलन में हमेशा डूबे रहते हैं। इतना ईर्ष्या जलन करते हैं, इतना ईर्ष्या जलन करते हैं कि जैसे भी हम कोई अच्छा शुभ काम करने जाते हैं, तत्काल वो विघ्न डालने की कोशिश करेंगे। अगर आपका मन अच्छा है, आपको दूसरा कोई व्यक्ति सता रहा है, तो आप उसके पास ना बैठो। हम अपनी जान में पूरा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आपके गांव के लोग और आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार वो करने के लिए बहुत रोकेंगे, बुरा भला कहेंगे। आपको वो सब नहीं देखना पड़ेगा। आपको सतर्की से काम करना पड़ेगा। कोई भी काम हो, नहीं करने देते हैं, ये दुनिया है। बोलने का कुछ और रहता है और खाने का कुछ और रहता है। इंसान के पास कई प्रकार का माइंड होता है, तो आप भी कई प्रकार का माइंड चलाओ और जो जैसा बोल रहा हो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। आप एक बार किसी इंसान के पास बैठते हो, अगर वो आपको कह रहा है कि आपकी बीवी तो ऐसा वीडियो बनाती है, ऐसा काम करती है, ऐसा वो करती है, तो आप समझ जाओ कि ये इंसान आपसे ईर्ष्या और जलन करता है। तो उसके पास ना बैठो दोबारा। और अगर बैठा हो तो जब तक वो आपसे ना बोले, आप उससे ना बोलो। उसके पास बैठे जरूर रहो पर उससे बोलो ना, तो वो एक ना एक दिन आपको जरूर समझ जाएगा कि ये इंसान बहुत सातिर आदमी है और समझदार आदमी है। समझदार इंसान आदमी की यही क्वालिटी कहलाती है कि इंसान पहले से टोके ना, बोले ना, और उसके पास बैठा रहे। अगर काम हो तो काम से अपना बोल सकता है। मजाक मस्ती उसी से करनी चाहिए जो मजाक आपको समझे, उसको कुछ आपकी अहमियत हो। अगर आप गंजेड़ियों के पास बैठोगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे ही फुक्की लगाते लगाते। और गांजा एक ऐसा नशा होता है जो इंसान को माइंड को बिल्कुल जाम कर देता है, काम को पूरा, शरीर को पूरा जाम कर देता है। बैठे बैठे इंसान पीता रहता है और उसको एक बार पीने से कभी ये नहीं होता है कि मान लो एक बार पी लिया तो अब दोबारा मन नहीं करेगा। दिन में कह दो 4 बार 5 बार पिए तो एक बार पीने में 25 मिनट का टाइम लगता है। बनाएगा, बनाने के बाद बीड़ी भूंजेगा, तमाम काम करेगा 25 मिनट, फिर वो 25 मिनट के बाद जब तक वो सर उधा फंसा रहेगा बैठा रहेगा, 1 घंटा बर्बाद हो जाता है एक फुक्की में। तो ऐसे दिन में 5 फुक्की लोगे तो 5 घंटा तुम्हारे चले गए। अब आके अपनी बीवी बच्चों से लड़ाई करोगे। और अगर आप रखना चाहते हैं तो अपने अंदर से गांजा का नशा निकाल दीजिए। मैं स्वयं कह रहा हूं सामने से, नहीं तो आपके परिवार में और आपकी रिश्तेदारी में कोई इज्जत आपकी नहीं रहेगी। क्योंकि आपको हम मानते क्यों हैं? इसलिए मानते हैं कि आपने हमारी बहन से शादी की है। पर अगर आप ही हमारी बहन को मारेंगे और गाली देंगे तो हम भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेंगे। आप हमारे कोई नहीं हो, आप हमारे दुश्मन के समान हो। और अगर आप हमारी बहन को मारोगे नहीं, गाली नहीं दोगे, तो नमक रोटी भी खिलाओगे, तो खुशी से हम आपके घर आएंगे और आपका चरण छुएंगे। इंसान को अपने रिश्तेदारों को बढ़ने से जलना नहीं चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि कोई हमारा अपना बढ़ रहा है। परंतु हमारे ही घर के स्वयं के आदमी हमसे ऐसे जलते हैं जैसे कि हम उसके बाप का कमाई खाते हों,
उसके बाप की दौलत में रहते हो। और हम जब के टाइम पे शादी की थी, जब हम तुमसे भी गैताल थे, फिर भी जैसा भी हम हमसे जुड़ा था हमने दिया करा था, और आज भी हम तुम्हारी मदद करते हुए चले आए हैं। जब भी कहो, जब भी तुम्हारी मदद की है, परंतु जब हमारी बहन को तुमने 10 बार भी मारा, खून खच्चर किया, मेरी बहन को मारा, कूटा, ताना मारा, तब मुझे गुस्सा आया। मैं खास दीपावली के दिन अपनी बहन को लेके घर आ गया कि मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, तुमसे कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर तुम हमारे खून को मार सकते हो और हमारा खून बहा सकते हो, तो हम भी क्यों, हम आपके कुत्तों की तरह हम आपके पीछे पड़े रहें। बताओ, मैं गलत नहीं हूं, मैं अपनी जान में कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार नहीं 20 बार सोचता हूं कि ये कदम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर जाके वो कदम उठाता हूं। एक बार मैंने समझाया था, बहन को मारा था, खून उन हाथ में बहा के आई थी, तो मैंने समझाया था यहीं पे अपने गांव में कि बहन को नहीं मारना। अगर बहन कोई ऐसा काम करती हो जिससे आपका नुकसान हो, आपके चरित्र में नुकसान हो, पर क्या फायदा, जब तुम खुद ताना मारते हो, खुद टेंशन देते हो, खुद डिप्रेशन में डाल देते हो घर के सदस्यों को। आपका कोई हक नहीं है कि आप अपने घर को सुधार पाओ और आप अपना भविष्य बना पाओ, आप ऐसे ही मर जाओगे। ये मेरा नहीं, ये धरती के जितने भी मनुष्य और जितने भी जीव जंतु हैं उनका श्राप है कि अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते हो तो आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। आपको आगे दूसरों के टुकड़ों पे कुत्तों की तरह जीने से, लालसा करने से अच्छा है कि खुद कमाओ एक रोटी, हमारे ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर निर्भय रह के पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती है। शादी हो गई है, पूरी जिंदगी दहेज नहीं देगा कोई, न कोई दहेज के भरोसे रहता है। पर तुम जैसे बेवड़े इंसान ऐसे धरती में जन्म ले लिए हो कि क्या बताया जाए। वो तो मेरे पापा की सोच की बदौलत से ऐसा हो गया था, नहीं तो मैं कभी नहीं तुम्हारे जैसे बेवड़ों के पास अपनी बहन की शादी करता। ठीक है, मैं शांति दिमाग से आपको समझा रहा हूं कि अगर जब तक आप अपने माइंड से, अपना शरीर से अपना नशा नहीं निकालेंगे, तब तक मैं अपनी बहन को आपके घर नहीं भेजूंगा। सीधा आपके लड़के आएंगे और तुम्हारे पिछवाड़े में डंडे मारेंगे, और ना मारे तो ये मेरा नाम मंगल भाई पटेल नहीं, शिव मंगल पटेल बोलना, कुकुर कहीं की सारी। चुरकुट समझ रखा है क्या? हाओ कृष्णा कह रहा है हाओ। हाँ, वीडियो के जरिए से मैं समझा रहा हूँ, और ये वीडियो कभी उड़ाता नहीं हूं मैं, जितने भी डाल देता हूँ डले रहते हैं। आने वाले भविष्य में तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तुम्हारी बीवी देखेगी, तुम्हारा पूरा परिवार देखेगा, गांव के लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे। मैं तुमको इसलिए नहीं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता हूं कि क्या फायदा, बेकूफों को मारने से अच्छा है कि सालों को ताना मार के समझाओ, डिप्रेशन दे के समझाओ, पर तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता है। अब बने फिर रहे हो होशियार, 30 मार्क ही बताते हो। उस दिन मेरे से कह रहा था कि बड़े आदमी का काम नहीं है वीडियो बनाना, तो मैं कौन सा बड़ा आदमी दिखता हूं तुम्हें? मेरे पापा पत्थर तोड़ते थे, आज भी किसानी करते हैं, और मैं भी दिल्ली में 9000 की नौकरी करता था। मैं तुमको बड़ा आदमी दिखता हूँ? अगर बड़ा आदमी होता तो तेरे जैसे नठल्ले के पास बहन की शादी नहीं करता, और आज भी अपनी दोनों बहनों की शादी करूँगा तो किसी ऐसे के जगह नहीं करूँगा जहाँ बहन बेटी की इज्जत ना करें, नालायक। वीडियो के जरिए से मैं समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा। अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा किसी बेकूफ को मार के। खुद तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और तुम्हें खुद समझा लेंगे। ये आने वाला समय नहीं, बीता हुआ समय बता रहा है। बीते हुए समय से सीखो, पढ़ते हो रामायण, पर रामायण पढ़ने से क्या फायदा, रट्टा मारने से क्या फायदा,
जब अपने ऊपर वो काम नहीं निर्भय करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि बाप से बड़ा बेटा होता है। राम जी को पराजय करने वाला कोई और नहीं था, लव कुश थे। होता है जिस चीज पे अहंकार करते हो ना, वो भी तुम्हारा सब दूर हो जाएगा। अहंकार तुमको यह है कि तुम्हारा रिश्ता है बड़ा हमसे, हम तुम्हारे साले लगते हैं, तो ये रिश्ते का अहंकार न करो कि मारो बहन को और हमको भी ताना मारो। रिश्ता बड़ा है तो बड़ा होता है रिश्ता, परंतु अगर किसी की बहन बेटी को मारोगे तो तुम्हें फाड़ डालेगा। मजबूर होती हैं वो बहनें जो आप लोगों की इज्जत करती हैं, वो बहनें जो अपने घर में नहीं बताती हैं, नहीं तो अपनी पत्नी को और अपनी माँ बेटी बहन इनको कभी गाली गुत्ता मारना नहीं चाहिए। अगर आपके पास इतना ही माइंड है तो आप अपने शब्दों से समझाने की कोशिश करो, तो आपसे बड़ा शक्तिशाली नहीं है कोई। आपका मुंह लगा है, ये मुंह बोलता है, तो इसी से समझाओ जो कुछ समझाना है। हाथ उठाने की गाली देने की कोई वो नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जिस दिन आए थे गाली दे रहे थे यहाँ पर, तो जब तुम दिन रात वहां पे बहन बेटी को गालोगे, जब आप वहां बहन बेटी को गाली दोगे तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी गाली सीखेंगे। वही करो, जो करोगे वही आपके परिवार में होगा। कितना समझाऊं पर दिमाग में नहीं घुसता है। मैं सोचता रहता हूं कि यार तुम समझ जाओगे, इंसान हो, पर तुम तो जानवरों से भी गैताल निकले। कि हर 2-3 महीने में तुम्हारा मन चलता है कि अपनी बीवी बच्चों को गाली दे के मार के मायके भेज दोगे। जिस दिन तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा ना, तो पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा घड़ा किस जगह फूटेगा। ये भी मैं कह रहा हूं।